अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जी। आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू रिंकल्स एंड जो चेहरे पे डिफरेंट किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं और स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ये है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें लेकर आऊँ जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो या फिर अगर आप कहीं लेने भी जाएँ तो इजीली आपको मिल सके। तो आप देखिए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, तीन हैं। एक है ये, एक तो ट्रांसपेरेंट है तो इसमें ये नज़र आ रहा है होगा आपको कि विटामिन ई ऑयल है। विटामिन ई ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ज़रा थिक होता है तो इसकी अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेंगे तो वो इनफ है। या आप देख रहे हैं एलोवेरा जेल है। अगर आप एलोवेरा जेल जो है वो एलोवेरा जेल अगर आप फ्रेश लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ये मार्केट से लिया हुआ था एलोवेरा जेल, इस वजह से इसका थोड़ा सा कलर भी आप देखिए जो घर में आप लेंगे उसका वाइटिश होगा। तो ये एलोवेरा जेल है और इसमें है प्योर ग्लिसरीन। ये प्योर ग्लिसरीन है जो 1 टीस्पून ही आपको चाहिए। तो जी 1 टीस्पून आप ग्लिसरीन लेंगे, इसके अंदर हम एलोवेरा जेल जो है वो भी 1 टीस्पून डालेंगे और वाइटामिन ई ऑयल ये भी 1 टीस्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कोशिश करें कि ये जब आप बना के रखें तो इसको अगर आप 1 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं तो आप रख लें। मैंने क्वांटिटी कम बताई है, आप क्वांटिटी इसको डबल कर सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है इसमें जिनकी स्किन्स पर रिंकल है, जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, छाइयाँ जैसी हो जाती हैं वो है, तो वो इसको यूज़ करें। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और फिर मैं वही कहूँगी कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना है, क्योंकि देखिए आप हर्बल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ये आप अपनी स्किन पे लगा के जो है वो रात को सो जाएं, बेशक इसको वॉश ना करें। गर्मी आई हुई तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गर्मियों की सीज़न में ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्नी स्किन वाले इसको नहीं यूज़ करें। ये बनाकर आप इसको अगर किसी जार में रखना चाहते हैं तो ग्लास वाले कंटेनर में रखिएगा और 1 हफ्ते तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नया बना लें। तो चलिए जी आप ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।